और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 बजाज प्लेटिना 110 कम्फर्टेक का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोग रोज़ाना ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बजाज ने अपने सबसे शानदार मॉडल और कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन कम्यूटर सेगमेंट बाइक को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजाज प्लेटिना 110 कम्फर्टेक के बारे में। कंपनी ने इस बाइक को बहुत ही अच्छे फीचर्स और अपडेट्स के साथ लॉन्च किया है। इसमें आपको 5 नए बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहला एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि आपको और दूसरी कंपनी की बाइक में नहीं मिलता है। दूसरा, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जबकि पुराने वाले मॉडल में आपको ट्यूब टायर मिलते थे, लेकिन इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा, इसमें आपको ऐसे सस्पेंशन मिलते हैं जो अभी तक की किसी भी 100 सीसी या 110 सीसी बाइक में नहीं आया है, सिर्फ बजाज प्लेटिना 110 कम्फर्टेक में आया है। चौथा, इसमें आपको न्यू कलर स्कीम और न्यू ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो बाइक को बहुत ही सुंदर लुक देते हैं। पांचवा, सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, पांचवा बदलाव ये है कि इसमें आपको इंजन की पावर बढ़ा दी गई है। इसमें आपको 115 सीसी का इंजन मिलता है। इसके कॉम्पिटिटर बाइक के बारे में बात किया जाए तो वो है हीरो पैशन एक्स प्रो और बजाज डिस्कवर 110। लेकिन जिस बाइक का लुक सबसे ज़्यादा अच्छा है वो है हीरो पैशन एक्स प्रो, क्योंकि उसमें आपको एक्सटेंशन मिल जाता है टैंक पर, जो उस बाइक को बहुत ही स्पोर्टी फील देता है। लेकिन दोस्तों, अभी के टाइम पर लोगों को एक अच्छी माइलेज वाली बाइक चाहिए। तो जैसे भी आप पूछोगे ना कि भाई सबसे अच्छी माइलेज वाली बाइक कौन सी है, तो भाई हर बंदा आपको यही बोलेगा कि भाई बजाज की प्लेटिना ले लो, उसमें आपको अच्छा माइलेज मिल जाएगा। क्योंकि ये बात सही है दोस्तों कि बजाज की प्लेटिना में आपको बहुत अच्छा माइलेज मिल जाएगा। अप्रोक्स आप इससे 60 और 65 का माइलेज तो आप इससे आराम से निकाल सकते हो, और शायद उससे ज़्यादा भी, क्योंकि बजाज की प्लेटिना इंडिया की सबसे नंबर वन बाइक है जो आपको माइलेज सबसे अच्छा दे सकती। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 115 सीसी का सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क एयर कूल्ड 2 वॉल्व्स कार्बोरेटर DTSI इंजन मिलता है, जिसमें आपको 8.6 bhp एट 7000 rpm की पावर और 9.81 न्यूटन मीटर एट 5000 rpm का टॉर्क मिलता है। और दोस्तों, इसमें आपको 4 नंबर ऑफ गियर का ऑप्शन मिलता है। 5 नंबर ऑफ गियर्स आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये 100 सीसी और 110 सीसी के सेगमेंट में आ जाती है। अगर ये बाइक 150 सीसी के सेगमेंट में आती तो आपको 5 गियर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये 4 गियर के ऑप्शन में आती। फ्रंट लुक्स के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट लुक पुराने 100 सीसी के मॉडल की तरह सेम ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें आपको सेम हेलोजन बल्ब मिलता है, और ऊपर हेडलैम्प के ऊपर आपको LED DRS मिलते हैं, जो नाइट में आपकी बाइक को बहुत ही सुंदर लुक देते हैं। और बाकी इसमें आपको कॉर्नर्स पर ग्राफिक की स्टिकरिंग मिल जाती है, जो बाइक को बहुत ही स्पोर्टी और मस्कुलर लुक देते हैं। और इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, और आपको ब्लैक कलर का छोटा सा विंडशील्ड मिल जाता है एयर को पास करने के लिए, कंफर्टेबल राइड करने के लिए। रियर लुक्स के बारे में बात किया जाए तो पीछे के लुक में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, पुराने मॉडल की तरह ही सेम इसमें भी रियर लुक दिया गया है। इसमें आपको बल्ब टेल लाइट मिलती है, बस ये है, इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिससे अगर आपकी बाइक का एक्सीडेंट भी हो जाता है या इंडिकेटर डैमेज होने की संभावना बढ़ती है, तो इंडिकेटर डैमेज नहीं होते हैं फ्लेक्सिबल होने के कारण, ये टूटते नहीं है जल्दी से, ये सालों साल चलते रहते हैं। फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और इसमें आपको 80/100 का टायर साइज मिलता है, और इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं 110 mm के, और दोस्तों इसमें आपको 17 इंचेस का व्हील्स मिलता है, और इसमें आपको नई ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम। तो दोस्तों, कई लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम आखिर है क्या, ये कुछ नया है बजाज ने अपनी तरफ से निकाला, तो उसमें ऐसा है क्या जो इतना अच्छा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से आपको 2 वायर निकलते हुए मिल रहे हैं। वैसे तो आपको यहाँ 3 वायर मिल रहे होंगे, एक वायर जाता है मीटर कंसोल की ओर, एक जाता है ब्रेक लीवर की ओर, और एक वायर जहाँ एक छोटा सा मैकेनिज्म बॉक्स लगाया गया है, और उसके बाद एक और जो वायर जाता है वो बाजू में एक से एक मैकेनिज्म बॉक्स लगा है, जिससे वायर होते हुए नीचे की ओर आता है, और नीचे की तरफ भी एक छोटा सा सिस्टम लगाया गया है, छोटा सा मैकेनिज्म लगा गया है, जिससे जब भी आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे एक तार दिख रहा होगा आपको, जिससे आप जब भी पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हो तो आगे का ब्रेक भी धीरे धीरे दबता है। तो यही है एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम।
अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े बदलाव की, तो वो है इसका रियर सस्पेंशन। इसमें आपको नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलता है जो कि आपको और दूसरी 100cc या 110cc की बाइक में नहीं मिलता है, सिर्फ बजाज प्लेटिना 110 कंफर्ट में आपको मिल रहा है। जबकि दोस्तों ये जो नाइट्रॉक सस्पेंशन है ना, वो आपको बजाज की पल्सर 150 में मिला करता है, लेकिन अब आपको जो पहली बाइक होगी जिसमें आपको नाइट्रॉक सस्पेंशन 110cc में मिल रहा है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें ये भी है कि आप इसको अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हो, मतलब अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। रेयर टायर में आपको 80/100 का टायर मिलेगा और इसमें आपको 17 इंचेस का टायर मिलेगा और 110mm का ड्रम ब्रेक के साथ मिलेगा विद ट्यूबलेस टायर। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों ही एनालॉग में मिलता है, जिसमें स्पीडोमीटर में आपको टोटल किलोमीटर और टोटल स्पीड बता दिया जाता है और ओडोमीटर में आपका फ्यूल गेज, लेफ्ट राइट इंडिकेटर सिंबल, न्यूट्रल सिंबल और पास सिंबल बता दिया जाता है। स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए, स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो मटेरियल इसमें यूज़ किए काफ़ी अच्छा है। बाइक की हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, हैंडल की ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको सेल्फ और किक स्टार्ट का दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। इंजन तेल स्विच आपको इसमें नहीं मिलता। सीट के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट आपको इसमें मिलती है और सीट में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। इसमें आपको थोड़ी लंबी सीट दे दी गई है और जैसे कि आप देख सकते हो सीट में आपको डिज़ाइन दी गई येलो कलर की स्ट्रिप दिख रही होगी आपको, जो सीट को बहुत ही सुंदर लुक दे रही है। और अगर आप तीन लोग बैठ के इसको राइड कर रहे हो तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर पाओ, क्योंकि सीट की कुशनिंग पुराने मॉडल से काफ़ी अच्छी कर दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग रोज़ाना ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको डाउट्स है रिलेटेड टू बजाज प्लेटिना 110 कम्फर्ट टेक के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।